सी अभिषेक राजाराम, सी इंस्टीट्यूट और टीवी चैनल्स पर जीएसटी एक्सपर्ट का एक जाना माना नाम है। सर जीएसटी अपील, लिटिगेशन और अदर सब्जेक्ट्स पर काफ़ी बुक लिख चुके हैं और gstpanacea.com वेबसाइट की हेल्प से लोगों को जीएसटी समझने में मदद करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे साथ हैं सी अभिषेक राजाराम जो कि एक जीएसटी एक्सपर्ट है। तो सर आपका वेलकम है फाइनेंस ज्ञान चैनल में। तो आज सर हमसे बात करेंगे एनुअल रिटर्न के बारे में जो कि जीएसटी में एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। उसकी कुछ बेसिक जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में सर हमें कुछ बताएंगे। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन फाइनेंस ज्ञान। मैं आपको पर्सनली काफ़ी साल से जानता हूं। यू आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क एंड फैंटास्टिक वर्क। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, जीएसटी रिटर्न जो है वो तीन तरह की हैं, मतलब तीन तरह की रिटर्न फाइल होनी है। फॉर रजिस्टर्ड पर्सन इट इज GSTR 9, फॉर कंपोजिशन डीलर इट इज GSTR 9A, फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर इट इज 9B। ये तो तीन अलग अलग रिटर्न है और जहाँ तक इनकी रिकन्सिलेशन या ऑडिट की बात है इट इज 9C जो सर्टिफिकेशन पार्ट है। अभी सर जैसे नॉर्मली हम GST में हर मंथ एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन दो रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर रहा है, तो एक एनुअल रिटर्न की यानी कि एक और एडिशनल रिटर्न की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या इसका होना कुछ बेनिफिशियल है एसएससी या फिर डिपार्टमेंट के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो दो रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा एसएससी, सिर्फ एक ही रिटर्न फाइल करता है GSTR 1। ओके। और वो फाइल करता है एक समरी GSTR 3 भी। देखिए, जब GST इनिशियली आया था दे हैड प्लान्ड 3 रिटर्न्स, GSTR 1 व्हिच वाज कंसीडरिंग डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाईज, GSTR 2 जो इनवर्ट सप्लाईज और ITC की डिटेल देता था, एंड देर वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू जो GSTR 3 जानी थी। GSTR 3 तो कभी गई ही नहीं, किसी भी SSC की नहीं गई। GSTR 2 कुछ SSCs की जुलाई की गई है, बाकी सबकी वेव पड़ी हुई है। तो डिपार्टमेंट को सिर्फ आपके आपसे जो डेटा मिला है या उनके पास वन साइडेड सेल्स का या सप्लाईज का डेटा मिला है, जो इन्वर्ट सप्लाईज हैं उसका डेटा तो कभी मिली नहीं। इसीलिए देखिए, अगर आदमी GSTR 1, 2, 3 फाइल करता जाता, जो इनिशियल में डेट थी कि भाई 10th तक 1 फाइल करनी है, 11 से 15 तक 2 फाइल करनी है, 16 से 20th तक 3 फाइल करनी है, तो वो डेटा कभी पूरा कंप्लीट हमने डिपार्टमेंट को दिया ही नहीं, डिपार्टमेंट के पास भी डेटा नहीं पहुँचा। इसीलिए इस रिटर्न की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो वैसे बेसिकली डेट का तो कंसेप्ट सर रहा ही नहीं, क्योंकि डेट तो एक्सटेंड हुई है। और जो ये 1, 2, 3 का कंसेप्ट है सर, ये मेरे हिसाब से पोस्टपोन कर दिया, अबोलिश कर दिया। देखिए, अबोलिश तो नहीं करा है, जो बातें हैं वो बहुत इंटरमीडिएट स्टेज में बातें हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। देखते हैं, नाउ दे विल कम विद वन रिटर्न, पायलट प्रोजेक्ट ने 1 अप्रैल को देना था, अगेन दे बैकड आउट। मतलब वो ये चाह रहे हैं कि अब क्वार्टरली आप एक ही फॉर्मेट में सारी रिटर्न की डिटेल दे दो। ओके। मना नहीं करेंगे रिटर्न लेने से, वो आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई जो अलग अलग मांग रहे थे और जो फाइनल रिटर्न थी वो तीनों एक ही फॉर्म में डाल देंगे, कहेंगे या तो मंथली दो या क्वार्टरली दो, जैसे भी जिसका अमाउंट वाइज जो भी जिस थ्रेशोल्ड में आएगा। एंड देन व्हाट दे विल डू कि इसी से वो डेटा कलेक्ट करेंगे। तो रिटर्न जो हमने कभी भी GSTR 2 फाइल ही नहीं करी, ओके, सिंप्लीफिकेशन के नाम पर वो GSTR 2 किसी और में आ जाएगा। GSTR सहज और सरल, ये तीन फॉर्म आए हैं, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन ही है 1, 2 और 3 रिटर्न का। ये 1, 2 एंड 3 की बार बार डिटेल लेने से बचने के लिए एक उसमें ये कवर अप करेंगे, एक ही फॉर्म में सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे आप इनकम टैक्स में भी क्या करते हैं, आप एक ही रिटर्न तो फाइल करते हैं, सारी डिटेल एक ही रिटर्न में चली जाती है। ऐसे ही जैसे सर्विस टैक्स थी, सर्विस टैक्स में भी आप सिंगल रिटर्न में फाइल करते थे, एक्साइज में भी सिंगल रिटर्न में सारी डिटेल जाती थी। नाउ दे आर, इन्होंने जो GSTR 1, 2, 3 का कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली जैसे पुडुचेरी है या दिल्ली है, दिल्ली के 2A 2B फाइल कराया जाता था, एंड देन वी यूज टू फाइल DVAT 16 जो रिटर्न होती थी, तो वहीं से कॉन्सेप्ट लिया था कि भाई पहले आउटपुट सप्लाईज की डिटेल ले लो, फिर इन्वर्ट की ले लो, फिर रिटर्न ले लो। सो वो बैकफायर कर गया। Now they will start using model which was in service tax or which we can say the model of excise laws, जिसमें आप outward inward supplies की B2B supplies की सारी डिटेल देंगे, B2C की जो बड़ी है बड़ा ट्रांजेक्शन होगा वो उसकी डिटेल देनी है। यानी कि सर जैसे बेसिकली क्या है, एनुअल रिटर्न
एक मेरे फाइनेंशियल 17-18 को एक सम अप करा जा रहा है, मेरी सेल्स को या मैं कहूँ मैंने 3B और R1 जो भरा है उनको कंबाइन करके एक बार फिर से डाटा मांगा जा रहा है, ताकि अगर कुछ मिसमैचिंग है या कुछ रिटर्न्स में डाटा छूट गया है मेरे से तो मैं उसको फुलफिल कर सकूं। नहीं, डेटा तो पूरा कभी आपने दिया ही नहीं डिपार्टमेंट को, 2 and 3 तो फाइल ही नहीं हुई, तो डेटा तो डिपार्टमेंट कभी पहुंचा ही नहीं। जहां तक GST R9 की बात है, मान लीजिए हम एनुअल रिटर्न की बात करते हैं, तो इसके मोटा मोटा 6 पार्ट हैं। जो पार्ट वन है दैट इज बेसिक्स, तो उसमें तो बेसिक की बात होती है, भैया आपने अपना GST IN डाला, बाकी वो ट्रेड नेम लीगल नेम ले लेता है। बट अगर आप देखे जाए तो 2-3-4 पार्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज आपकी लायबिलिटी क्या आती है, जहां वो आउटपुट्स जो आपने सप्लाईज करी उसकी डिटेल मांगते हैं। जो पार्ट 3 है दैट टॉक्स अबाउट योर ITC, कि भैया ITC क्या लिया आपने, कितना यूज करा। GST R4 जो है, वो सॉरी पॉइंट फोर, पार्ट फोर जो है रिटर्न का, दैट टॉक्स अबाउट क्या आपने टैक्स क्या पे करा। ओके, एंड देन फिफ्थ पार्ट इज एनी एडजस्टमेंट विच यू हैव डन इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। देखिए शुरू में GST सबकी समझ में तो आ नहीं रहा था, कई लोगों से गलत रिटर्न फाइल हुई है या डेटा सही से फाइल नहीं हुआ, तो उसको आपने अगले साल में भी करेक्ट करा है। एंड द करेक्शन ऑप्शन वॉज अवेलेबल टिल मार्च फाइलिंग ऑफ रिटर्न, यानी आज भी अगर आप मार्च की रिटर्न अप्लाई में फाइल कर रहे हैं, यू आर अलाउड टू टेक क्रेडिट्स ऑल्सो, तो वो यहाँ एडजस्टमेंट पार्ट 5 में आता है। एंड पार्ट 6 अदर इन्फॉर्मेशन है, यानी कि मार्च 19 जो लास्ट मंथ है सर मेरे पास, अपना 17-18 का कोई भी चेंज करना है या उसको अकोमोडेट करना है मुझे। यस यू कैन डू इट इफ यू हैव फॉरगॉट एनी क्रेडिट विच यू हैव नॉट अवेल्ड, देन मार्च 19 वॉज द लास्ट डेट। ये डेट इतनी बढ़ानी इसलिए पड़ी इनको एनुअल रिटर्न की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिटर्न फाइल ही नहीं करी जी, और वो पेनल्टीज इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने कहा नहीं नहीं आप 31 मार्च तक फाइल कर दिए, वी आर वेविंग योर पेनल्टी। अच्छा सर, मार्केट में जैसे एक कन्फ्यूजन और चल रहा है कि मार्च 2019 मेरा लास्ट मंथ है, जिसमें मैं 17-18 की मिसमैचिंग या कोई भी मेरी जो डाटा रह गया उसको अकोमोडेट कर सकता हूँ, अब ये लास्ट डेट क्या है सर एक्चुअल में? रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट है या जिस दिन मैं रिटर्न फाइल करूँ बेसिकली, क्योंकि SSC ऐसा भी कर सकता है, वो 3B जैसे 20 तारीख को भरनी है वो 30 तारीख को भरे। देखिए द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, वी डू अंडरस्टैंड कि लास्ट डेट मीन्स लास्ट डेट ऑफ एक्चुअल फाइलिंग। सो अगर आप मार्च में कोई करेक्शन करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर लास्ट ईयर, देन यू शुड फाइल योर रिटर्न बिफोर 20th अप्रैल और बाई 20th अप्रैल। अगर आप 21st को फाइल करते हैं then that is a belated return and the time limit which was allowed was filing of the March return। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आदमी मार्च की रिटर्न सितंबर 19 में फाइल करे then he will say नहीं सर मैं तो क्लेम कर सकता था, that's not the correct way। बेसिक पॉइंट क्या है, अगर मैं belated return फाइल करता हूँ then you are not available, मैं eligible नहीं हूँ। yes, you should not be eligible to avail past credits। मार्च का कोई क्रेडिट है वो आप लेट फाइल कर रहे हैं then you are allowed। okay, अच्छा सर, जैसे GST R9 फॉर्म सभी नॉर्मल SSCs के लिए है, 9A हमारा कंपोजिशन डीलर के लिए है 9A हमारा। देखिए चार कैटेगरी तो कभी रिटर्न फाइल ही नहीं करेंगे। ओके, दैट इज ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। ठीक है, जो लोग TDS काट रहे हैं या TCS ले काट रहे हैं उनको भी रिटर्न फाइल नहीं करनी जी। एक नॉन रेजिडेंट को भी रिटर्न फाइल नहीं करनी। 17-18 के लिए ही नहीं करनी या सर कभी नहीं करनी इनको? तो फिलहाल अभी तो आप सिर्फ 17-18 पे बात कीजिए, इनको नहीं करनी। देखिए एक कैजुअल पर्सन ने 90 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन लिया, ओके, मैक्सिमम जो एक्सटेंड हो सकता है, या नॉन रेजिडेंट है उसने 90 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन लिया, जो बाकी एक्सटेंड हो सकता है, तो उनका तो सारा डेटा वहीं ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ISD है, वो तो कोई सप्लाई करता ही नहीं। ओके, तो ये इट्स जस्ट अ ट्रांसफरिंग एंटिटी, तो उनसे एनुअल रिटर्न लेने का कोई सेंस बनता भी नहीं जी। तो मेरे हिसाब से द लॉजिकल थिंग प्लस रूल्स में भी ऐसा लिखा हुआ है जो एनुअल रिटर्न की है कि उनको कभी फाइल करनी ही नहीं, सो आई एम ऑफ द व्यू कि उनको कभी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करनी होगी, नहीं करनी पड़ेगी। तो अभिषेक जी, जैसे कुछ मैंने पॉइंट्स या क्वेश्चंस की नोटिंग बनाई है जो एक जर्नल SSC या मार्केट में कन्फ्यूजन्स हैं, तो उसके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। कन्फ्यूजन तो हो सकता है मेरे से डिस्कस करने के बाद कन्फ्यूजन और बढ़ जाए, लेटर नोट वी विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल द कन्फ्यूजन्स। ओके, अच्छा सर, जैसे जो हमारा GST R9C है ये ऑडिट के लिए फॉर्म है, बिल्कुल, तो इसकी लिमिट एक बार सर आप कंफर्म कर देंगे? 2 करोड़ की लिमिट है, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर है सिर्फ उसको 9C बना है, बट
व्हाट आई मीन टू से व्हाट माय एक्सपीरियंसेस ओके देखिए जैसे 9 में वो बेसिकली डिटेल क्या चाहते फर्स्ट इज सप्लाईज कितनी हुई है टैक्स सही से पे हुआ नहीं हुआ ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स पे कॉन्फिडेंस आपका तभी आता है जब आप 9C बनाते हैं सो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप GSTR 9 शुरू करने से पहले आप 9C बनाइए चाहे जिस क्लाइंट पर 9C साइन करना है नहीं करना बिकॉज 9C बनाने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है डाटा एक्यूमुलेट हो जाता है आप रिकनसाइल करते हैं बिकॉज 9C इज मोर ऑफ अ रिकनसिलेशन एंड दैट हैज टू बी सर्टिफाइड बाय अ CA तो आप जितने भी क्लाइंट की रिटर्न 9 बनाना जाएं बनाने जाएं सो फर्स्ट यू हैव टू मेक 9C ओके इट्स नॉट मैंडेटरी इट इज रिकमेंडेटरी कंसिडरिंग माई एक्सपीरियंस इन दिस ओके लेकिन पोर्टल तो सर पहले हमें बोलता है पहले हम 9 फाइल करें उसके बाद 9C का ऑप्शन मैं बिल्कुल मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूँ बट लेकिन आप डेटा तो अपने पास एक्सेल में या वर्ड में जैसे भी आप कंफर्टेबल है डेटा तो बनाना शुरू कीजिए यू स्टार्ट डेटा विद 9C एक्सेल में फिगर्स डालना शुरू कीजिए एंड देन यू कैन मूव अहेड विद 9 ओके मतलब बेसिकली 9 और 9C एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इंटर रिलेटेड है तो हमको दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा वो अलग बात है पोर्टल हमें कौन सा पहले फाइल करने का पोर्टल तो पोर्टल विल ऑलवेज से फर्स्ट यू फाइल 9 देन यू फाइल 9C ओके अच्छा सर जैसे क्वेश्चन है जैसे 1 जुलाई 2017 से हमारा GST आया तो कुछ SSCs ऐसे हैं जिन्होंने 17 जुलाई के बाद रजिस्ट्रेशन लिया है से फाइनेंशियल 17-18 में वो सिर्फ 1 महीने के लिए रजिस्टर्ड थे उन्होंने फेब 2018 में रजिस्ट्रेशन लिया या किसी भी बेसिक बीच में डेट में लिया तो क्या उनके लिए एनुअल रिटर्न एप्लीकेबल है 100% एप्लीकेबल है इफ दे आर अ नॉर्मल रजिस्टर्ड डीलर और अ कंपोजिशन डीलर देन एनुअल रिटर्न इज एप्लीकेबल ऑन देम वो उसमें जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि TDS TCS वाले तो इसके प्रोविजंस 2018 में आए थे तो इनका 17-18 में कोई डाटा है नहीं मान लीजिए अगर इनकी एप्लीकेबिलिटी भी होती रिटर्न की तो इट कुड हैव बीन अ निल रिटर्न बट इनकी एप्लीकेबिलिटी तो है नहीं ठीक है अच्छा सर जो हमारे SCZ यूनिट्स हैं SCZ डेवलपर हैं जो बेसिकली एक्सपोर्ट पे काम करते हैं या जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें सप्लाई करते हैं तो उनके लिए भी हमारा फॉर्म 9 है ठीक है आर दे नॉर्मल रजिस्टर्ड डीलर या इट्स 9 ओके मतलब ये आई एम वेरी क्लियर बट एक बेसिक पॉइंट है जिसमें बेसिक मैं वही कह रहा हूं कंफ्यूजन हाउ दे आर रजिस्टर्ड आ जाती है हाउ दे आर रजिस्टर्ड जिसमें SSCs को ईयर के बीच में कंपोजिशन से ऑप्ट आउट करने का या कंपोजिशन को ऑप्ट करने का ऑप्शन दिया था गवर्नमेंट ने तो इस केस में जो ऐसे डीलर हैं जो 9 महीने का पीरियड है जो 17-18 का उसमें वो कुछ महीने में कंपोजिशन डीलर भी रहे कुछ महीने वो नॉर्मल टैक्स पेयर भी रहे तो उनके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है सर इन केस में वो दो रिटर्न फाइल करेंगे दो एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे वन एज अ नॉर्मल रजिस्टर्ड डीलर एंड सेकंड वन इज अ कंपोजिशन डीलर ओके सो फॉर एग्जांपल दे जुलाई टू दिसंबर दे वर नॉर्मल डीलर ओके फ्रॉम जनवरी टू मार्च दे वर अ कंपोजिशन डीलर सो रेस्पेक्टिव पीरियड की रेस्पेक्टिव रिटर्न जाएगी तो दे विल गो विद 9 9 6 महीने के लिए 9 एंड जन टू मार्च 9 पहले कोई कंपोजिशन डीलर में कन्वर्ट हुआ था एंड देन लेटर ऑन ही गेट्स कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल डीलर एंड हिज टर्नओवर गोस फ्रॉम मोर देन 9 CR सो सॉरी 2 CR देन ही वुड बी रिक्वायर्ड टू गो फॉर 9, 9A and 9C अच्छा सर एक सवाल और है जैसे फाइनेंशियल ईयर 17-18 जिसके हम एनुअल रिटर्न भरने वाले हैं तो लेट्स से मैं माइग्रेटेड था जिन्हें कंपलसरी माइग्रेट करना था या फिर मैं वॉलंटरी रजिस्टर हुआ लेकिन मैंने जनवरी 18 या साल के ख़त्म होने से पहले पहले अपना नंबर सरेंडर करा दिया है और वो सरेंडर हो भी गया तो इस केस में क्या मुझे अभी भी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है क्योंकि आज की डेट में तो सर मैं एग्जिस्ट नहीं करता मैं कैंसलेशन हो चुका ना मेरे फॉर्म भरने की लायबिलिटी है तो क्या मुझे बैक डेट में या उस ईयर का फॉर्म भरना है सर जी सर बिल्कुल भरना है इवन इफ यू हैव कैंसल्ड इट
कैंसिलेशन जिस डेट में हुआ है उस डेट से, फॉर एग्जांपल इफ यू ऑन जुलाई यू माइग्रेटेड और आपने से जनवरी में कैंसिलेशन ऑर्डर मिला है एंड यू फाइल्ड इन दिसंबर, तो आपको जिस पीरियड का कैंसिलेशन है तो कैंसिलेशन पीरियड तक की रिटर्न तो फाइल करनी ही करनी है। सर जैसे एक और पॉइंट है, जैसे मैं एक प्रोप्राइटर कंसर्न हूँ लेकिन मेरा दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन है, हरियाणा में भी रजिस्ट्रेशन है, तो इन केस दोनों स्टेट का अलग अलग मुझे एनुअल रिटर्न फाइल करना, ये मुझे क्लियर है, ठीक है सर। अब मेरा दिल्ली में ही दो बिजनेस वर्टिकल है, लेट से एक मेरा रेस्टोरेंट है और एक मेरा बुक्स की शॉप है, तो इस केस में मेरे पास दो जीएसटी नंबर है, तो एक ही स्टेट में दो नंबर हैं, तो क्या मुझे एनुअल रिटर्न दोनों को फाइल करना है या एक ही एनुअल रिटर्न में मैं इनको अकोमोडेट कर सकता हूँ? सर एनुअल रिटर्न इज एज पर द जीएसटी आईएन। ओके, असेसी जो माना गया जीएसटी में एज पर द जीएसटी आईएन, इसीलिए आपको दोनों जीएसटी आईएन पर, फॉर एग्जांपल वन इज अ रेस्टोरेंट एंड अदर वन इज अ बुक शॉप, तो दोनों के अलग अलग फाइल करनी है। देखिए इसको विस्तार में समझिए, व्हेन यू ट्रांसफर योर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, सो डिपार्टमेंट कंसिडर्ड इट इफ टू आर अनदर स्टेट, तो डिपार्टमेंट इसको अलग रजिस्टर्ड एंटिटी मानते हैं। सो एवरी जी एस टी आई एन इज अ रजिस्टर्ड एंटिटी एंड एवरी रजिस्टर्ड एंटिटी विद अ नॉर्मल रजिस्ट्रेशन और अ कंपोजिशन डीलर हैज टू फाइल जी एस टी एनुअल रिटर्न। यानी कि जितने जी एस टी एन नंबर, चाहे मेरे पास एक एस एस सी के पास जितने जी एस टी एन नंबर है उतना ही उसे एनुअल रिटर्न फाइल करना है। पर जी एस टी नंबर परफेक्ट परफेक्ट। ओके अच्छा सर, अगर जी एस टी की जैसे इसकी 9 की लास्ट डेट अभी हमारे पास 30 जून है, जो कि शायद उम्मीद है बढ़ सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि हमारे पास इनकम टैक्स का ऑडिट भी आने वाला है। ये सर बात ही समझ नहीं रहे आप, 17-18 की रिटर्न 18-19 में जानी थी, 18-19 में जाकर 19-20 में रिटर्न जाएगी, तो अब अगर आप जून से भी एक्सटेंड कर देंगे तो बताइए जो ईयर 18-19 अभी मार्च 19 में ख़त्म हुआ तो उसके रिटर्न आप कब लेंगे? मतलब इस तरह तो ये एंडलेस प्रोसेस है एक्सटेंड करने का। इनफैक्ट मैं तो डिमांड करूंगा कि उसको जून से आगे एक्सटेंड ना किया जाए, किसी भी कीमत पर नहीं किया जाए। ओके, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए भी एनुअल रिटर्न की डेट आ जाती है। बिल्कुल सर, वो एक बल्कि समप काम हो जाएगा एसएससी पे भी और सीएस पे भी। सीएम में भी अलाउड है ऑडिट करने के लिए। ओके, कोई सीए काम नहीं कर पा रहा तो ऐसे थोड़ी होगा, कोई ये कह दे कि साहब टैक्स ऑडिट आ गया, स्टैचुटरी ऑडिट आ गया, बैंक ऑडिट आ गया, अपडेट बढ़ाते रहिए, देखिए एंडलेस प्रोसेस है। पर प्रॉब्लम डेट ये बढ़ी है इसलिए नहीं बढ़ी कि किसी के पास काम था जी, ठीक है, यूटिलिटी जनवरी में आई है। ओके, आप डेट तो तब देंगे, आप काम तो तब शुरू करेंगे, यूटिलिटीज आएंगी, अभी भी इतनी प्रॉब्लम है। अगर जीएसटी पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा, डेटा ठीक से नहीं मिल रहा, तो आप खुद सोचिए, डेट किसने कहा थोड़ी आप डेट बढ़ाइए, डेट तो उन्होंने खुद से बढ़ा रहे हैं। और अगर जून से आगे डेट जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ सरकार है कि सरकार एक अच्छा पोर्टल प्रोवाइड नहीं कर पाई। अभी भी ट्रांस टू के केसेस बचे पड़े हैं जी, कोर्ट ने खुलवा रखे हैं जी, सारी चीज़ें तो इनकी इनके लेवल पर गलती है। ये पॉइंट मैं भी सर इसी व्यू से रख रहा था, क्योंकि अभी तक जो डेट एक्सटेंड हुई है वो एसएससीज या सीएज ने डिमांड नहीं करी, वो तो यूटिलिटी नहीं थी इस वजह से उन्होंने 30 जून दिया। इन केस अब सीएज के पास एसएससीज के पास काम बल्कि होता जा रहा है, तो वो डिमांड उनका करना सर ठीक है या नहीं है, या इंडस्ट्री का डिमांड करना? देखिए इंडस्ट्री को देखिए, रिटर्न तो इंडस्ट्री ने फाइल करनी है जी, वी डू स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ इंडस्ट्री। ओके, देखिए मेरा ये मानना है कि अभी तो सारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हैं, उनकी रिटर्न ही फाइल नहीं हुई। बिल्कुल, जीएसटीआर 1 और 3 बी भी फाइल नहीं हुए सर, बहुत लोगों के 17-18 की सर 17-18 के फाइल नहीं हुए अभी तक कर रहे हैं। और जब तक आप सारे रिटर्न फाइल नहीं कर देते तब तक आप एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, ये भी एक प्रॉब्लम है। ओके, एनुअल रिटर्न में या ये कहिए फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट फाइलिंग ऑफ ऑल जीएसटीआर 1 एंड 3 बी फॉर द रेस्पेक्टिव पीरियड, देन ओनली यू कैन स्टार्ट फाइलिंग जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न। तो जिनकी रिटर्न फाइल नहीं हुई तो उस केस में तो वो एसएससी लेट करेंगे ही करेंगे, और कुछ केस में तो पेनल्टी इतनी ज़्यादा हो गई है, मार्च क्रॉस कर गया है, कुछ केस में तो पेनल्टी इतनी ज़्यादा हो गई है कि एसएससी रिटर्न फाइल करना ही नहीं चाहता। अच्छा अभिषेक जी, जैसे जो लेट फीस है, एक
जीएसटी डिपार्टमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन का एक बहुत ही मेजर पार्ट रहा है। तो इनकेस हम 30 जून 2019 से लेट हो जाते हैं अपनी एनुअल रिटर्न या 9C फाइल करने में, तो सर एनुअल रिटर्न और इसके केस में क्या हमारे लिए लेट फीस के प्रोविज़न है? देखिए जीएसटी में वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग और द थिंग विच इज वन ऑफ द कॉज की रिटर्न्स जो फाइल नहीं कर रहे अगर वो मिस कर जाते हैं तो फिर वो फाइल ही नहीं करना चाहते इज लेट फीस। थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर किसी आदमी ने मान लीजिए जुलाई की रिटर्न फाइल नहीं करी, नाउ द टाइम हैज गॉन, अगर वो अभी फाइल करेगा तो फिर वो लेट फीस के साथ फाइल कर रहा है। ओके तो लेट फीस कुछ इस तरह है, लेट इसमें मिनिमम 100 रुपीज़ पर डे जितने भी दिन का डिले होगा और सब्जेक्ट टू 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। बट ये CGST की है, इसी रेट में सेम पेनल्टी लगेगी या सॉरी लेट फीस लगेगी SGST की और UTGST की। तो ये 200 रुपये पर डे बन जाती है, यानी कि CG और SG का मैं समझ रहा हूं 100 प्लस 100 200 प्लस पर डे आ रही है, 200 पर डे आ रही है और 0.25% मैक्सिमम कैप लगा हुआ है, इस मैक्सिमम का कैप लगा हुआ है जी। अच्छा क्या R9 रिवाइज करने का ऑप्शन है सर मेरे पास? नहीं नहीं। देखिए जीएसटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो एक बड़ी बेसिक चीज है वर्ल्ड में, शायद ये पहली रिटर्न है जिसको रिवाइज करने का ऑप्शन ही नहीं है। जीएसटी यार आप कोई भी रिटर्न ले लीजिए उसमें अमेंडमेंट का करने का इनकम टैक्स है, सब में ऑप्शन होता है जी। इनफैक्ट वैट सर्विस टैक्स में भी ऑप्शन होता था, पर ये पहला ऐसा लॉ बना दिया है जिसमें रिटर्न रिवाइज करने का ऑप्शन ही नहीं। अगर आपने जीएसटी R1 में कोई गलती कर दी तो आपसे कहते हैं था नेक्स्ट मंथ में जाकर ठीक कीजिए, लेकिन इसमें तो एनुअल रिटर्न फाइल होने के बाद अगले महीने तो एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो GSTR 9 की रिटर्न रिवाइज करने का अगर कोई गलत डाटा चला गया तो फिर रिवाइज का ऑप्शन नहीं है, जो कि बहुत गलत है। एटलीस्ट एक रिवीजन तो देना चाहिए था इन्हें जी। ये कारण भी है सर जिस वजह से हमारी आउटपुट लाइबिलिटी और ITC का जो मिसमैच है ज़्यादातर SSCs का देखने को हमें मिल रहा है, क्योंकि वो उस पीरियड में जाके उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। यही एक बड़ा रीज़न भी है कि अगर आप अमेंडमेंट का ऑप्शन देते, या चूंकि देखिए GST लॉ एक नया लॉ था जी, इट वॉज कॉल्ड मतलब एक तरह से उन्होंने कहा इनडायरेक्ट टैक्स लॉस, इट वॉज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू फ्रीडम मूवमेंट। ओके इतने बड़ा लॉ बना दिया लेकिन पोर्टल इतना खराब बनाया है, मतलब पोर्टल डजंट अलाउ यू टू रिवाइज एनी रिटर्न। ऐसा कौन सा लॉ होता है दुनिया में जो कहता है साहब आप कोई गलती कर दें तो गलती करके आप उसे बदल नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, और फिर गलती हो गई चलो फिर वो कहते हैं साहब इसमें जाकर इधर क्लियर कीजिए, इतना कन्फ्यूजन है। शुरू की तो मुझे लगता है शायद ही कोई SSC हो जिसने रिटर्न रिवाइज ना करी हो जुलाई अगस्त की तो 17 की जी। अब आपने पोर्टल का नाम लिया सर, पोर्टल की अगर मैं बात करूँ तो इनकेस अभी भी लास्ट डेट पे पोर्टल अलाउ नहीं करता है और हैंग हो जाता है, जबकि GST आए हुए 2 साल होने वाले हैं लगभग, तो ये भी एक परेशानी है। ये तो परेशानी इनकी सबसे चल रही है, शुरू से चल रही है जी। ये लोग पोर्टल को इक्विवेलेंट तो ला ही नहीं पा रहे जी। जो कैपेसिटी रिक्वायर्ड है या जितना सर्वर रिक्वायर्ड है प्लस टाइम बहुत कम मिलता है ना जी, आपको 10 दिन में अभी डेट एक्सटेंड हुई है 11 दिन हो गई जी। फिर जैसे GST R1 फाइल करना, आप सबके चलो GST R1 नहीं होते बट 3B की तो सबकी डेट 20th। ओके तो यहाँ पर भी डेट्स लगाई जा सकती है अगर सर्वर की कैपेसिटी इतनी नहीं है, सर्वर कैसे नहीं चलते पता ही है, फेसबुक है, यूट्यूब है, करोड़ों लोग देखते हैं जी, हर मिनट करो सर्वर हैंग है। बिल्कुल कभी हैंग होता सुना आपने? फेसबुक हैंग हो गया, व्हाट्सएप हैंग हो गया, इंस्टाग्राम हैंग हो गया, नहीं होता। और उससे तो मेरे हिसाब से 1% पॉपुलेशन यूज करती होगी जितना सोशल मीडिया को यूज करती है। बिल्कुल 1% भी नहीं यूज करती होगी, प्लस डेटा भी नहीं होता। आप इंस्टाग्राम देखिए उसमें कितने फोटोग्राफ्स आते हैं, वीडियोस आते हैं, दे आर हैवी फाइल्स। यहाँ तो यू आर पुटिंग जस्ट नंबर्स जी, तो नंबर्स पुट करने में तो बहुत ज्यादा डेटा होता भी नहीं। यूजुअली योर फाइल्स आर इन KB नॉट इन MB और GB। अच्छा सर तो अभी तक हमने बात कर ली फॉर्म के बारे में, तो जैसे फॉर्म भरने से पहले कुछ हमें रिकंसलेशन बनाना चाहिए, कुछ डाटा जिसके बारे में आप कुछ हमें बताइए, जैसे कि बुक्स का है, बुक्स को हम अपने रिटर्न से कंपेयर करें या
3B के डाटा को इनपुट को कंपेयर करूं 2A से, तो किस तरीके से मैं इसको फॉलो अप करूं? देखिए दो तरह से चेकिंग करना चाह रहे हैं जी। फर्स्ट वो चेक करना चाह रहे हैं कि आपने सारा टैक्स लायबिलिटी पे करा नहीं करा। ओके। दूसरा आपने ITC ज्यादा तो नहीं क्लेम कर लिया। बेसिक एनुअल रिटर्न के दो ही पर्पस है जी। इसके लिए मैंने पहले ही बताया उसके 6 पार्ट हैं रिटर्न्स के, इसको डिवाइड कर रखा है। तो बेसिकली जो पार्ट 2 है दैट इज ऑफ द लायबिलिटी, जिसमें आपको बताना है कि मेरी लायबिलिटी क्या थी। लायबिलिटी के उन्होंने भी दो हिस्से कर रखे हैं। फर्स्ट वेयर ऑन द आउटपुट सप्लाईज टैक्सेस मैंडेटरी, उस टैक्सेस पेएबल। दूसरा क्या है, जहाँ पर उन्होंने कहा था वो ट्रांजेक्शन जिन पर टैक्स का लायबिलिटी नहीं आ रही, फिर वो बात करते हैं जी ITC कितना है, फिर वो बात करते हैं जी टैक्स पेमेंट कैसे करा, एंड देन दे टॉक अबाउट द एडजस्टमेंट्स। देखिए अगर लायबिलिटी देखनी है, देखिए तो सिंपल समझिए, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टेबल 4 प्लस टेबल 10 माइनस टेबल 11। ओके। टोटल टैक्स पेमेंट इज इक्वल टू टेबल 9 प्लस टेबल 14 मतलब अमेंडमेंट जो बात करें। ITC इज इक्वल टू टेबल 6 माइनस टेबल 7। इन सब का आपको सिर्फ सप्लाईज का आउटपुट सप्लाईज का रिकंसिलिएशन करना है जी, ITC का रिकंसिलिएशन करना है, एंड यू हैव टू रिकंसाइल दैट ऑल द टैक्सेस हैज बीन पेड। तो GSTR 3B को GSTR 1 के पैरेलल रख के देखते हैं जी। एक बार 3B में जो क्रेडिट लिया उसको 2A के अगेंस्ट रखते हैं कि भैया आपको जैसे 2A इज इक्वलेंट टू 26 ईयर्स, कि भैया आपका TDS मतलब सॉरी आपका इनपुट क्रेडिट जो दूसरे ने फाइल करा वो इतना होना चाहिए था, एंड यू हैव क्लेम्ड लेस और मोर। अगर आपने लेस क्लेम करना है देन दे आस्क द रीजंस कि भाई कम क्यों क्लेम करा है, वेदर ITC वॉज अवेलेबल बट यू वर नॉट एलिजिबल, इट वॉज अवेलेबल यू वर एलिजिबल बट यू डिडंट अवेल इट, सो ITC अवेलेबल एलिजिबल बट नॉट अवेल्ड, इट कुड बी दूसरे थे। अच्छा एक प्रॉब्लम और आ रही है सर, कुछ लोग जो फेस कर रहे हैं जिसे उन्होंने एक्चुअल में परचेज भी करा है गुड्स का, फिजिकल उनके पास रिसीव भी हुए हैं, उनके पास बिल्स भी हैं, लेकिन जिस पर्सन ने उन्हें सप्लाई करा है उसने उन्हें अपनी R1 में फाइल नहीं करा, जिस वजह से जैसे एग्जाम्पल मैं अपना लूँ तो वो मेरा 2A में नहीं आ रहा है, और वो तो मैंने तो क्लेम कर चुका हूँ मैं, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा सर? लॉ इज वेरी क्लियर कि आपको वो कुछ पीरियड तक प्रोविजनल अलाउ करते हैं जी। इट वाज योर रिस्पांसिबिलिटी टू इंश्योर कि जिससे आप क्रेडिट ले रहे हैं वो पेमेंट हो रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि ITC इज आवर राइट। ओके। वंस आई हैव अवेल्ड ऑल द कंडीशंस इट इज़ माई राइट, मैंने इन्वॉइस लिया, गुड्स ली, टैक्स पेमेंट करा जी। गलती आपकी है कि आपने टैक्स पे करा नहीं करा, मतलब वेंडर की गलती है, दूसरा सप्लायर ने इसमें पे नहीं करा या उसकी तरफ से कोई गलती हो गई। विद अवेस, देखिए मैं खुद एक ऑथर हूँ ITC पर, अभी मेरी बुक मार्च में आई है। जैसा कि नो माई व्यू इज ITC इज नॉट योर राइट। ओके। ITC इज अ बेनिफिट प्रोवाइडेड बाई द लॉ। इसमें हम महालक्ष्मी का केस जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था उसने बिल्कुल ठीक कहा था, व्हेनेवर एग्जीक्यूटिव मशीनरी फेल्स देन लेजिस्लेचर स्टेप्स इन इट। तो अगर उसने टैक्स पे नहीं करा, आपने सारी कंडीशन फुलफिल करी, उसने टैक्स पे नहीं करा, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता, आपको प्रोविजनली कुछ दिन के लिए वो देते हैं और कहते हैं साहब उससे बोलिए कि टैक्स पे करे। ओके। देखिए अगर आपके साथ कोई बेमाना कर रहा है तो इसकी गवर्नमेंट की गलती नहीं है जी। बट अगेन GST काउंसिल ने इस पर एक बार डिस्कशन में सॉफ्ट व्यू लेने की कोशिश करी है, दे हैव सेड दैट वी विल प्रोविजनली अलाउ एंड वी बिफोर रिकवरिंग इट फ्रॉम यू। ओके। वो ये कह रहे हैं कि हम पहले आपसे जो पार्टी होगा, जो वेंडर है, सप्लायर है, जिसने आपको आपसे पैसे ले लिए, गुड्स दे दिए, लेकिन अपनी रिटर्न ठीक फाइल नहीं करी, फर्स्ट डिपॉजिट नहीं करा या रिटर्न फाइलिंग में गलती होगी, फर्स्ट वी विल ट्राई टू रिकवर अमाउंट फ्रॉम हिम एंड देन वी विल ट्राई टू रिकवर फ्रॉम यू। तो उन्होंने कहा है those mechanism will come into place later on, अभी नहीं है। मतलब कि एक तरीके से जो बर्डन है सबसे पहले वो मेरे वेंडर पे ही पड़ेगा क्योंकि हाँ, उसने डिपॉजिट नहीं कराया। पहले वेंडर पे पड़ेगा लेकिन अभी पहले किस पर पड़ता है, आप पर जी। तो ये फर्क, इनकेस अगर लिटिगेशन में बात पहुंचती है तो वेंडर भी इक्वली उसमें, नहीं पहली लायबिलिटी तो वेंडर की है क्योंकि वेंडर ने कलेक्ट करा पैसा, क्योंकि मेरी तरफ से तो पेमेंट हो चुकी है, आपने पेमेंट कर दिया जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके। व्हाट द लॉ सेज कि साहब देखिए क्या होता है, अगर 100 लोग गलती करते हैं तो किसी एक को भी दंड भुगतना पड़ जाता है, दिस इज दिस केस। अच्छा जैसे सर हमने डिस्कस करा था कि
अगर हमें अपना पुराना इनपुट या लाइबिलिटी क्लेम करना है तो बिलेटेड फाइल नहीं करना, बिलेटेड फाइल नहीं करना, बिलेटेड फाइल नहीं करना, 20 अप्रैल तक आप फाइल कर दीजिए। इनकेस हम 20 अप्रैल पर पहुंचते हैं और उससे दो दिन बढ़ाकर गवर्नमेंट ही एक्सटेंड कर देती है, देन इट इज द नेक्स्ट डेट, अगर देन वी आर एलिजिबल। बिल्कुल सर, इफ द 20th अप्रैल ऑफ द लास्ट डेट ऑफ 3B फॉर द मार्च इज चेंज टू से 30th अप्रैल, सो 30th अप्रैल इज योर लास्ट डेट, ओके, because extended due date will step into the shoes of original date. तो मेरे जो सर क्वेश्चंस थे वो हैं एनुअल रिटर्न के बारे में, सर अगर आप कुछ सम अप करना चाहें तो एक बार प्लीज सम अप कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए GSTR 9 में मैं समराइज करूँगा, GSTR 9 के 6 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट इज बेसिक विच हैज टेबल 1, 2, 3, 1, 2, 3 टेबल में कुछ नहीं है, आपको GST नंबर डालना है और GST नंबर के बेस पर वो आपका ट्रेड नेम लीगल नेम ये सब बताता है। पार्ट 2 इज द लाइबिलिटी पार्ट विच हैज 2 टेबल्स 4 and 5, पार्ट 3 इज इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC टेबल 6, 7, 8, नेक्स्ट इज टैक्स पेड पार्ट नंबर 4 विच हैज ओनली सिंगल टेबल दैट इज 9, पार्ट 5 एडजस्टमेंट्स की बात करता है, इन सब में जो पीछे हो गया दैट इज 10 to 14 एंड देन अदर इंफॉर्मेशन 15 to 19। तो ये मोटा मोटा सारी चीज़ें हैं, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे पार्ट 2 है, पार्ट 2 में टेबल 4 है, टेबल 4 में वो डिटेल देनी है आउटवर्ड सप्लायर की जिन पर टैक्स का इम्पैक्ट आता है, बट इफ़ यू गो विद द टेबल 5 तो टेबल 5 वो है ट्रांजेक्शन्स नॉट हैविंग एनी टैक्स इम्पैक्ट, यानी कि जिन पे GST डिपॉजिट नहीं करना, जिन पे GST डिपॉजिट नहीं करना, वो पार्ट वो टेबल 5 हो गया मेरा, टेबल 5 हो गया, ओके। अच्छा, टेबल 4 में भी सर एक अमेंडमेंट का ऑप्शन है और एक टेबल 10-11 है, तो इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है? दोनों अलग अलग साल से अमेंडमेंट है ना, मान लीजिए आप क्रेडिट नोट की बात करते हैं तो जो 34(1) से कॉम्प्लाई कर रहे हैं 17 टू मार्च 18 इशू हो गए, दे विल कम इन 4I। अगर आपने क्रेडिट नोट जिनका इशू ही अप्रैल टू मार्च में कराए द नेक्स्ट फाइनेंशियल दोज विल कम इन द अमेंडमेंट सेक्शन, तो वो टेबल 10 में आ गए। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपने 1000 रुपीज़ का एक इन्वॉइस था जी, और आपने गलती से वो 100 रुपीज़ का दिखा दिया जी, और बाद में आपने उसमें 900 रुपीज़ अलग से दिखाया, ओके, तो जो 100 रुपीज़ है वो आप तो दिखाएंगे टेबल 4 में जी, और जो 900 है वो अमेंडमेंट में आएगा, तो टोटल तब 1000 की सेल्स दिखाई जाएगी। यानी कि सर जैसे मोटा मोटा मेरे पास भी ये क्वेश्चन काफ़ी आया है कि दो अमेंडमेंट के ऑप्शन आ रहे हैं, तो मोटा मोटा टेबल 4 में जो 17-18 की अमेंडमेंट है और मैंने 17-18 में ही कर दिए तो मैं टेबल 4 में डाल, टेबल 4 में डालेंगे, और 17-18 के अमेंडमेंट है लेकिन अगले साल में दिखाइए दैट विल कम इन टू टेबल 10-11, ओके। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे साथ CA अभिषेक राजाराम, जिन्होंने एनुअल रिटर्न पे एक काफ़ी अच्छा हमारा डायरेक्ट किया हमें कि कैसे उसमें क्या क्या बेसिक डिटेल हैं, कैसे हमें उसे फाइल करना है, या क्या कुछ मोटे मोटे पॉइंट हैं जिनका हमें ध्यान रखना है रिटर्न फाइल करते हुए। तो CA अभिषेक राजाराम जी एक रेनाउंड फैकल्टी हैं जैसे कि इंट्रो में हम बता चुके हैं, तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए, थैंक्स फॉर फाइनेंस ज्ञान फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई एंड ऑल हु आर वॉचिंग दिस, आई वुड रिक्वेस्ट यू इस चैनल को फाइनेंस ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।